हेलो एवरीवन, सो हमारा फेवरेट स्टॉक HDFC बैंक, जिस पे लाइव चैट आई थिंक बहुत टाइम से ड्यू है, वो ज़रूर करेंगे जल्दी। लाइव चैट में बहुत लोगों से बात हुई थी, लॉट ऑफ पीपल केप्ट ऑन आस्किंग मी। फाइनली इसका खून खोला, ये स्टॉक चला, और चला तो फिर आई थिंक 4 जून के लो से 1510 या 1490 के आसपास के लो से इट वेंट ऑल द वे अप टू 1780। वो पहले वाला रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया 1780-1790 के आसपास। मुझे एग्जैक्ट लेवल तो मैं रोज़ ट्रैक नहीं करता हूँ, बट या उसी के आसपास। सो अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखें तो इट वॉज 20-21% अपसाइड, ब्रिलियंट। लेकिन ये स्टॉक इतने साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है कि 21% अपसाइड 4 साल में कुछ भी नहीं है, फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। अब ये आज गिरा क्यों? बहुत लोग उसमें फंस गए होंगे, आई एम श्योर। अगर आप फंसे हो तो प्लीज़, जैसे ट्रूथफुल हम लोग इस चैनल पे हैं, मैं हूँ, आपको हार्डली कोई ट्रूथफुल इतना मिलेगा, तो आप भी ट्रूथफुल हो गए कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। डिंट यू बाय इट एट 1750 एंड नाउ फील स्टक? थोड़ा बहुत अगर ऐसा है तो ज़रूर बताइए, नहीं है तो वेरी गुड। इसमें अभी क्या करना है, बेसिकली आप ही के लिए ये असाइनमेंट है ओवर द वीकेंड। इसका 200 डे में ऑब्जर्व कीजिए, 50 डे में ऑब्जर्व कीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस ऑब्जर्व कीजिए, और ब्रोकरेजेस अभी भी बुलिश है इसके ऊपर। मैंने कहा था ना, वो किसी को एग्जिट देना चाहते हैं, शायद उनको एग्जिट मिल गया होगा, बट अभी भी ब्रोकरेजेस बुलिश है। बट यू चेक द पैटर्न वेदर इट्स कमिंग बुलिश और बेरिश, एंड कहीं ना कहीं आके ये स्टॉक सपोर्ट लेगा। मेरे हिसाब से अगर मैं एक राउंड फिगर देखूँ तो 1625-1630 के आसपास ये वाला गिरावट इसका रुक जाना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। वहाँ से एक डबल टॉप की तरफ ये वापस 1800 की जर्नी चलना चाहिए, क्योंकि 13 अगस्त को MSCI का रीबैलेंसिंग होगा गाइस, एंड उस रीबैलेंसिंग में, मैंने पहले भी शायद पोस्ट में डाला था, HDFC बैंक इज़ सपोज टू रिसीव $4 बिलियन ऑफ न्यू फंड्स। शायद उसमें से $4 बिलियन इज़ 32,000 करोड़ ऑफ मनी, 35,000 करोड़ लगभग, काफ़ी पैसा है। उसमें से शायद 5-6 हज़ार करोड़ अभी आ गया होगा, बट काफ़ी चंक आना बाकी है। तो यही होता है जब ब्लॉक डील्स होती हैं, किसी को एग्जिट चाहिए, कोई एग्जिट लेना चाहता है, सो दे विल मेक दिस काइंड ऑफ मूव्स, एंड जिसको चाहिए उसको दे दिया। अब आज फॉर टुडेज फॉल, इफ़ यू सी, इट्स अराउंड 5%। इट्स क्वाइट अ हैवी फॉल फॉर अ बिग कंपनी, बिगेस्ट ऑन द निफ्टी अलॉन्ग विद रिलायंस, इट्स अ वेरी बिग फॉल। बट वो क्या बाउंस बैक करेगा, क्या शॉर्ट कवरिंग इमिजिएटली आ जाएगी? चांसेस आर वेरी हाई। ये तो मंडे ट्यूसडे के वॉल्यूम में ही पता चलेगा किस लेवल पे कहाँ आके वो बाउंस करता है, लेकिन बाउंस बैक करने के चांसेस तो है, यू कांट डिनाई दैट। बिकॉज एक फ्रेश ब्रेकआउट आने के बाद, 20% अपसाइड आने के बाद वो अगर गिरता है 4-5%, सो दैट्स प्रिटी नॉर्मल, वो नॉर्मल ही है। लेकिन सवाल ये है कि कहाँ तक ये सस्टेनेबल है। अब व्हाई डिड इट फॉल, ये भी एक सवाल है, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ के नंबर्स आए थर्सडे नाइट, एंड उसमें बहुत लैकलस्टर परफॉर्मेंस है। एक्चुअली ये सारे बैंक्स का होने वाला है, और PSUs में तो ज़्यादा होने वाला है। प्राइवेट बैंक्स तो फिर भी अपने आप को संभाल लेंगे, बिकॉज दे हैव वेरी गुड कासा एंड वेरी लेस NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। RBI खुद के रिपोर्ट में है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ NPAs, और प्राइवेट बैंक्स अपने आप को संभाल ही लेंगे। बट ये रेंज बाउंड स्टॉक है, हमेशा रहा है। मैंने कभी नहीं सुना किसी से कि मेरा फ्यूचर्स में HDFC बैंक में नुकसान हो गया, या फ्यूचर्स में रिलायंस में नुकसान हो गया। आई हैव नेवर हर्ड। सो दीज आर बेल वेदर स्टॉक्स, दे आर टफ, दे आर हेविली वेटेड ऑन द इंडेक्स। एक HDFC बैंक और रिलायंस को 5% एक दिन में मूव कराना बहुत बड़ा मोटा हाथी का काम है, तो उस तरह से इस स्टॉक को देखना चाहिए। और अगर आप वाकई में इसको ट्रैक कर रहे हो, सो लुक एट सपोर्ट्स, लुक एट रेजिस्टेंसेज, एंड अकॉर्डिंगली देन मेक श्योर दैट यू ट्रेड ऑन द राइट साइड एंड नॉट ऑन द रॉन्ग साइड। काफ़ी टाइम लोग ना ऊपर लेके फंस जाते हैं, फिर नीचे उसका आने का वेट करते हैं, इसलिए मैं पहले ही पूछ रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो कॉमेंट्स में बताइए, इट विल बी अ नाइस टू वे इंटरेक्शन, बिकॉज दिस इज नॉट अ वन वे मीडियम गाइज। टेक केयर, सी यू।